सांबर वड़ा तो आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन वड़ा सड़न से गोल गोल बनता नहीं है, ऊपर से क्रिस्पी नहीं होता है, अंदर से कच्चा रह जाता है, स्पंजी जैसा नहीं होता। सारी परेशानियां आज खत्म होगी इस वीडियो में। कहते हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन के अंदर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। वड़ा बनाने के लिए हमने व्हाइट उड़द का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 250 ग्राम मैंने दाल ली है। अच्छी तरह से 2-3 पानी धोना है, क्योंकि ये दाल बहुत स्टार्ची होती है, तो इसको धोना अच्छी तरह से जरूरी है। उसके बाद में 6 घंटे के लिए हमने यहाँ पे इसको सोक कर लिया था, और सोक करने के बाद में जो इसका पानी है, इस पानी को फेंकिए और फिर से फ्रेश पानी से इसको धोइए, क्योंकि इस पानी के अंदर स्मेल होती है, तो वो जानी जरूरी है। यहाँ पे हमने जितना भी एक्स्ट्रा पानी था सारा निकाल दिया है। दाल के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जितनी जरूरत होगी हम बाद में डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दाल को पीसना है। कितनी दाल पीसनी है? थोड़ी थोड़ी करके पीसिए। सबसे पहले बिना पानी के पीसिए। तो बिना पानी के हमने इसको थोड़ा सा पीसा, तो बिल्कुल तो पीसेगी नहीं। तो यहाँ थोड़ी सी जरूरत है, तो आप यहाँ पे 1-2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पानी इस्तेमाल करना जितनी जरूरत हो, क्योंकि पानी अगर ज्यादा हो गया तो वड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, अच्छा तो क्या बनेगा। अब यहाँ पे फिर से पानी डाल के हमने पीसा, तो ये देखिए, अब फाइन पेस्ट मत बनाइए, हल्का सा दरदरा चलेगा, हल्का फुल्का, ये देखिए, और इतना गाढ़ा है कि स्पैचुला पे चिपका हुआ है। इतनी गाढ़ी दाल होनी जरूरी है। इसी तरह हमने सारी दाल को पीस लिया है। अब इस दाल को हम कम से कम 2 घंटे के लिए फर्मेंट करेंगे। गर्मियों में 2 घंटा और सर्दियों में 4 घंटा जरूरी है। 2 घंटे के बाद में ये देखिए, दाल में हल्की सी फर्मेंटेशन हो चुकी है। बहुत ज्यादा फर्मेंट करने की जरूरत नहीं है, 2 घंटा बहुत रहेगा। अब इस दाल का असली ट्रीटमेंट आता है। तो सबसे पहले इस दाल को हमने एक परात में निकाल लिया है, एक बड़ी परात में निकाल लीजिए, फेंटने में आसानी रहेगी। अब अपने हथेलियों की सहायता से इसको अच्छी तरह से फेंटिए। अब ये देखिए, जैसे जैसे हम इसको फेंटते जाएंगे वैसे वैसे इसका कलर लाइट होता चला जाएगा। ये देखिए, ये जो फेंटने वाला प्रोग्राम है ना, इसको करना बहुत जरूरी है, और कम से कम 5-6 मिनट अच्छी तरह से फेंटिए, जिससे ये दाल अच्छी तरह से हल्की हो जाएगी, इसके अंदर गैस वेपोरेट हो जाएगी। और ये देखिए, अच्छे से तैर रहा है ना, छोटा सा है, चलिए बड़ा डाल के देखते हैं। ये देखिए, कितना भी बड़ा डाल दीजिए, अच्छी तरह तैर गया तो मतलब बड़ा अच्छा बनने वाला है। अब यहाँ पे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाल दी, 1/2 छोटा चम्मच हमने जीरा डाला है, 7-8 करी पत्ती को यहाँ पे चॉप करके डाला हूँ, ज्यादा मत डालना, ज्यादा डालेंगे तो कड़वापन आ जाएगा, 2 छोटी सी हरी मिर्च है, स्पाइसी है, चॉप करके डाल दी हमने यहाँ पे। इसी के साथ में 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी फाइनली चॉप करके हमने डाल दिया है। धनिया, धनिया श्रद्धा अनुसार मत डालना, यहाँ पे धनिया थोड़ा हिसाब से डालना, ज्यादा सब्जियां डालेंगे तो वो पानी छोड़ देंगी। और ये रहा नमक, नमक कब डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको बनाने हो वड़े तभी डालना है, क्योंकि नमक डालते ही दाल ढीली हो जाती है। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके अलावा आप इसके अंदर फ्रेश कोकोनट भी डाल सकते हैं, छोटा छोटा चॉप करके। अब जा रहा है 1 छोटा चम्मच गरम तेल। गरम तेल डालने की वजह से जो इसकी शेल होगी, बाहर का आउटर शेल होता है, वो थोड़ा क्रिस्पी बनेगा। कई रेसिपीज के अंदर इसमें चावल का आटा भी मिलाया जाता है, चावल के आटे से ये क्रिस्पी बनती है, बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंदर से भी तो हार्ड होगी वो, क्योंकि दाल को भी तो हार्ड कर देगी वो, इसलिए मैं कभी भी चावल के आटे को रिकमेंड नहीं करूंगा। चलिए अब बनाते हैं हम वड़े। सबसे पहले अपने हाथों को हल्का सा गीला कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हाथों से निकाल दीजिए, पूरे हाथ को भरने की जरूरत नहीं है, साइड में से निकालिए, मतलब कि सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करना है, हथेली का इस्तेमाल नहीं करना है, उंगलियों का इस्तेमाल करना है, साइड में निकालिए इस तरह से। ये जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा आप बना सकते हैं। अब हाथों में उछालिए इसको, उछालने से ये हल्का सा गोल जैसा हो जाएगा। उसके बाद में इस तरह से फ्लैट कीजिए अपने अंगूठे से, और अंगूठे से ही बीचों बीच में हल्का सा छेद कर दीजिए। ये देखिए, बहुत छोटा मत करना, हल्का सा बड़ा ही रखना, और इसकी तरह हम पलट देंगे। और ये गया तेल में, तेल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई रहेगा, और जब भी आप इसको पलटें हमेशा तेल के नजदीक में जाके पलटना, क्यों, ऊपर से डालेंगे तो छींटे आपके हाथ में आ जाएंगे, आपका हाथ जल सकता है। ये जो वड़े इतनी आसानी से बन रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फंडा ये है कि दाल हमारी गीली नहीं है, अगर दाल गीली होती तो इतनी आसानी से नहीं होता है। और ये देखिए, 30 सेकंड के अंदर अंदर इनको पलटना है, ये देखिए
इस तरह से इनको पलटना है। क्यों? ये हमने जो स्टार्टिंग में दो डाले थे ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड नंबर का है, और ये जो वाला मैं पलट रहा हूँ अभी, ये फर्स्ट नंबर का है। ये हल्का सा फट गया है। ये क्यों फटा है इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। अब इनको पलट दिया, अब यहाँ पे मीडियम टू लो हीट पे पकाना है। ज़्यादा तेज आँच नहीं होनी चाहिए, आँच तेज होगी तो कलर जल्दी आ जाएगा, कलर जल्दी आ जाएगा तो ऊपर से पका हुआ लगेगा और अंदर से कच्चा रहेगा। क्या हम वड़ों को बना के रख सकते हैं? बिल्कुल बना के रख सकते हैं। आप इनको हाफ डन निकाल लीजिए। ये देखिए, ये हाफ डन है। हाफ डन का मतलब ये है कि ऊपर से इस पे कलर नहीं आया, लेकिन अंदर से ये अच्छी तरह से पके हुए हैं। और जब भी आपको दोबारा रीफ्राई करना हो तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको फ्राई कर लीजिए, कलर आ जाएगा। भाई पके हुए तो अंदर से हैं ही और गर्म भी हो जाएंगे, तो गर्मा गर्म सांभर के साथ उस टाइम आप दोबारा से परोस सकते हैं इसके साथ में। लेकिन ध्यान रखना है, ऊपर से कलर नहीं है लेकिन अंदर से अच्छी तरह से पके हुए हैं। चलिए, बढ़िया से हमारे ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, अब मैंने हीट को बिल्कुल हाई कर दिया है और बबल्स कितने कम हो गए हैं। इसका मतलब कि अब इनको निकाल लेना चाहिए। हीट कम मत करना, जब आप लास्ट में निकाल रहे हो तो हीट को बढ़ा दीजिए। दूसरा तरीका जो थोड़ा सा आसान है, भाई मुझको थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन क्या पता आपको आसान लगे। इस तरह से हल्का सा पानी लगाइए अपने लेडल पे, चमचे पे, और डाल के हल्का सा छेद बना दीजिए और तेल में छोड़ दीजिए ऐसे। अगर आपको हाथ से बनाने में प्रॉब्लम है तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी दाल सही ढंग से पिसी हुई है, गीली नहीं है, तो हाथ से भी कोई दिक्कत नहीं आती। हल्का सा शेव इधर उधर होगा, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हाथ से बहुत अच्छा बना सकते हैं, ट्राई कीजिए, बन जाएंगे। ये लीजिए, हमारे वड़े यहाँ पे तैयार हो गए हैं बढ़िया से गर्मा गर्म। और ये देखिए कितना शानदार वड़ा तैयार हुआ है, ऊपर से कितना क्रिस्पी है इसको देख के ही पता लग रहा है। और ये देखिए अंदर से कितना स्पंजी, ये देखिए दबा के देखेंगे तो कितना स्पंज इसमें आ रहा है। और ये देखिए बाहर से स्किन इसकी देखिए, बाहर से बहुत बढ़िया क्रिस्पी हुई है ये देखिए। और ये देखिए, तोड़ के दिखाता हूं, अंदर से देखिए, अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है हमारा वड़ा। और ये देखिए, ये हमारा पहले नंबर का वड़ा है जो मैंने लास्ट में पलटा था। अगर मैं इसको 30 सेकंड के अंदर अंदर पलट देता तो ये जो साइड में टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, ऐसा नहीं होता। कैसा होना चाहिए वड़ा? इस तरह से होना चाहिए, प्लेन। अगर आप जैसे ही वड़े को डाल रहे हैं तेल में तो पहली पलटी फटाफट से कर दीजिए 30 सेकंड के अंदर। और ये देखिए, अगर तेल पी जाए वड़ा तो फिर वड़ा खाने में तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और ये देखिए, तेल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है। अब गर्मा गर्म सांभर के अंदर वड़े डाल दीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। सांभर की रेसिपी मैंने ऑलरेडी दी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना।